गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नया कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो आज के डेट में ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया नाम से भी जाना जाता है। तो ओशनिया भी कहे तो आप इसको नया नहीं सुनना है, ओशनिया मतलब ही ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है। तो हम एक पहले कॉन्टिनेंट की बात करें, यहाँ पर हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में दो बड़ा बड़ा कंट्री आता है, दो बड़े बड़े कंट्री आते हैं, जिसमें से एक बड़ा कंट्री में ऑस्ट्रेलिया आएगा और दूसरा कंट्री जो है न्यूजीलैंड आएगा। ये दो बड़े कंट्री हैं, बाकी छोटे छोटे कंट्री इसमें शामिल हैं, है ना। 14 छोटे छोटे कंट्री शामिल हैं। और यहाँ पर ये जो है आप फिगर देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, यहीं पर ये ऑस्ट्रेलिया है और इसी से आगे जाते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आपका चेंज हो जाता है, ठीक। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चेंज होते चला जाता है और यहीं ये आपका न्यूजीलैंड है, इसके आगे जाएंगे। यहाँ छोटा छोटा इसके आगे का समुद्र है, सागर है, उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया के छोटे छोटे द्वीप शामिल है, ठीक। तो इसी ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, है ना। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में, ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में, है ना। फर्स्टली हम लोग ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में देखेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ही मेन क्वेश्चन पूछता और न्यूजीलैंड से क्वेश्चन पूछता है ना। तो पहले ऑस्ट्रेलिया कंट्री को हम देखेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया आपका महाद्वीप है। तो देख रहे ये फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया कंट्री का देख रहा है, ये आपका बड़ा सा फिगर है ना। तो ये पूरा कलर्स है बना हुआ, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया, तो आप फिगर ध्यान में रखेंगे। और इसी के अगल बगल जो है ओशंस है। तो ये पूरा एक्चुअली जो आप ईस्टर्न पार्ट में देख रहे हैं प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशंस का ही पार्ट है, और इधर का जो देखेंगे वो इंडियन ओशंस है, ठीक। इसी का छोटा छोटा जगह पर आपका नाम दे दिया है, कोरल सी, तस्मानिया सी, है ना, अरब सी, ये सब नाम दे दिया गया है, टैगर सी, ये सब नाम दिया गया है, गल्फ ऑफ कार्पेंटिया, ये दिया हुआ है नाम, अलग अलग दिया हुआ है, छोटे छोटे सागर का अलग अलग नाम दे दिया है। लेकिन बेसिकली पूरा महासागर की बात करेंगे तो वो आपका क्या होगा, प्रशांत महासागर का ही पार्ट है, ठीक। तो देखो ऑस्ट्रेलिया को कुछ पार्ट में बांटा गया, यानी जैसे इंडिया में बहुत सारे 28 राज है, है ना, तो अलग अलग स्टेट में बांट दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, उससे ऑस्ट्रेलिया को बांट दिया गया। ये देखिए ये जो पार्ट देख रहे हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, ये यहाँ से यहाँ जो आ जाता है ये इसी को कहा जाता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी वहां का एक राज हो गया, है ना। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वहां का एक राज हो गया जिसके बारे में देख, ठीक। उसके बगल में ये वाला पार्ट आ जाता है, ये वाला पार्ट देखेंगे, इसको कहा जाता है नॉर्दर्न टेरिटरी, है ना, ये नॉर्दर्न टेरिटरी, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया भी कह सकते हो, नॉर्दर्न टेरिटरी इसको कहा जाता है, ठीक। ये वाला पार्ट को नॉर्दर्न टेरिटरी कहा जाता है। और नीचे वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इसको कहा गया है साउथ ऑस्ट्रेलिया, है ना। इससे क्वेश्चंस नहीं पूछता लेकिन एक ओवरऑल जानकारी हम लोग देख लेते हैं शुरुआत में, तो अब फिर आगे ध्यान में रहेगा। तो ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्दर्न टेरिटरी नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये ग्रीन टाइप का दिख रहा होगा, ये ग्रीन टाइप का जो दिख रहा है ये क्वींसलैंड है ना, ये क्वींसलैंड इसकी एक स्टेट है ना। तो ये ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं क्वींसलैंड देख रहे हैं, और यहाँ जो आपका ब्राउन कलर का थोड़ा दिख रहा है ये न्यू साउथ वेल्स है ना, ये न्यू साउथ वेल्स एक स्टेट होगी, ये न्यू साउथ वेल्स होगी। और नीचे जो आपका दिख रहा है वॉलेट कलर का बैगनी कलर का ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये जो राज्य है ये है विक्टोरिया, ये जो राज्य है ये आपका कौन सा राज्य है, विक्टोरिया, ठीक। और नीचे वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये इसका भी राज्य है लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे भारत में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, उसी तरह वहां उसका केंद्र शासित प्रदेश द्वीप है, चारों तरफ से पानी है और द्वीप है, इसको कहा गया है तस्मानिया, इसको कहा गया तस्मानिया, ये सारा स्टेट है इसके और केंद्र शासित प्रदेश है,
इतना सारा हम लोग को जानकारी हो गया है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा कि एक पीछे पश्चिम वाला भाग जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, उसके जस्ट सटा ऊपर वाला वाला नॉर्थ में पार्ट जो है नॉर्दर्न टेरिटरी कहा जाता है, और इसके बाद नीचे साथ नॉर्दर्न टेरिटरी के नीचे वाला भाग को साउदर्न ऑस्ट्रेलिया या साउथ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। फिर आपको ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो कहा गया इसको क्वींसलैंड कहा गया है ना। क्वींसलैंड के जस्ट नीचे जो हो गया ये न्यू साउथ वेल्स हो गया, और न्यू साउथ वेल्स का जो जस्ट हो गया ये वाला छोटा सा राज्य जो हो गया ये विक्टोरिया हो गया, और विक्टोरिया के नीचे एक द्वीप जैसा दिख रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं तस्मानिया, है ना। इतना तक हम लोग समझ में आ गया होगा, है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो इसको आगे हम लोग करते हैं ठीक। अब इस मैप को तो देखने की जरूरत नहीं, अब मैप जो देखेंगे हम लोग उसको बना के आपको दिखाएंगे ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल थोड़ा सा फिगर से हम लोग को जानकारी हुआ है ना, उसके राज्यों के बारे में जानकारी हुआ। थोड़ा आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो एक माइंड में आपका ऑस्ट्रेलिया के फिगर बन गया, उसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के, तो सिंपल बात, ऑस्ट्रेलिया अकॉर्डिंग टू एरिया यानी क्षेत्रफल के अनुसार है ना, अकॉर्डिंग टू एरिया कंट्री वाइज करेंगे देश में ऑस्ट्रेलिया का संख्या नंबर क्या है। तो पूरे देश वर्ल्ड के एक पहले बात है, पहला वर्ल्ड के बाद परिप्रेक्ष्य में करते हैं, पूरे विश्व में देशों की संख्या बताते हैं जो ऊपर से सात देश याद रखेंगे शुरुआत से, तो इसका उसका एक फॉर्मूला होता है उसको याद रखिएगा, हमेशा याद रखेगा, क्या याद रखेंगे रुक, एक याद रखेंगे रुक चीन अब आ भारत, ये चीज याद रखेंगे, एक लाइन याद रखना है हम लोग को रुक चीन अब आ भारत। रुक मतलब क्या हो गया रूस है, रूस कह से क्या हो गया कनाडा हो गया है ना, कह से क्या हो गया आपका कनाडा हो गया, चीन आपका हो ही गया, आ से अमेरिका यानी यूएसए की बात कर रहा हूं, यहां बा से ब्राजील की बात कर रहा हूं ठीक, औ से आ से ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है ना, और यहां भारत हो ही गया। तो देखिए एरिया वाइज क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश जो हो गया रूस हो गया, दूसरे नंबर पर कनाडा हो गया, तीसरे नंबर पर चीन हो गया, चौथे नंबर पर यूएसए हो गया, पांचवें नंबर पर ब्राजील हो गया, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, और सातवें नंबर पर भारत हो गया। यह हायरार्की है ना क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के सात बड़े देश है ना, क्षेत्रफल के अनुसार ये विश्व के सात बड़े देश हैं। इसी लाइन से आपका मत किया है कि सबसे बड़ा रूस कनाडा चीन यूएसए ब्राजील ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये हम लोग सात देख लिए, यानी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल के अनुसार है ना, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल के अनुसार कैवे नंबर पर आ गया आपका छठे नंबर पर, यानी क्षेत्रफल के अनुसार ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है ना, क्षेत्रफल के अनुसार ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है ठीक, इसको ध्यान में रखने की छठा सबसे बड़ा देश है ना, कंफर्म हो गया। अब ये ऑस्ट्रेलिया का कुछ नाम है, कुछ और नामों से जाना जाता है इसको, द कहा जाता है द लैंड ऑफ गोल्डन फिश, इसको क्या कहा जाता है द लैंड ऑफ गोल्डन फिल्स कहा जाता है ना, गोल्डन फिल्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया का एक नाम, क्या चीज से बोला जाता है द लैंड ऑफ गोल्डन फिल्स के नाम से भी जाना जाता है ठीक। ये हो गया दूसरा नाम, इसको कहा जाता है कंगारुओं का देश भी कहा जाता है, कंगारुओं का देश के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्या के नाम से जाना जाता है कंगारुओं का देश के नाम से जाता है, और तीसरा नाम जाना जाता है प्यासी भूमि का देश, क्या नाम है प्यासी भूमि का देश, ये दो नाम से जाना जाता है ना ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया का अलग नाम, पहला क्या कहते हैं द लैंड ऑफ गोल्डन फिश कहते हैं है ना, इसको क्या कहते हैं द लैंड ऑफ गोल्डन फिश कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं कंगारुओं का देश कहते हैं, उसके क्या बात कहते हैं प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, यानी सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ना,
कहेगा कि द लैंड ऑफ गोल्डन फिश किस देश को कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कंगारुओं का देश किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है ना। प्यासी भूमि का देश क्या किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ये जो देश है आपका ऑस्ट्रेलिया, इसको ऑस्ट्रेलिया के नाम से आपको जाना जाता है। ठीक, इतना तक हम जान गए। चलिए, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है जो छोटे छोटे एग्जामों में हमेशा पूछते रहता है, तो ध्यान में रखेंगे इसको। अब ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा फिजिकल पार्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल पार्ट, तो ऑस्ट्रेलिया का मैप हम लोग बनाया था, मैप देखा था, तो इस टाइप से ही आपका मैप दिखा हुआ, ये रफली फिगर है ना, ये रफली फिगर ऑस्ट्रेलिया का, इसी टाइप का ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ध्यान में रखेंगे ये कौन सा हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये आपका पार्ट जो हो गया ये ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह का आपका ऑस्ट्रेलिया मिला जुला के बनता फिगर है ना। हम लोग को फिगर ध्यान में रखने के लिए याद है। अब यहाँ के पर्वत के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या के बारे में जानेंगे, पर्वत यानी माउंटेन के बारे में। ये आपका यहाँ के पर्वत के बारे में। ठीक, यहाँ एक पर्वत है, देखिए इस टाइप से एक पर्वत है। ठीक, पूरा पर्वत ही है। ठीक, इस पर्वत का नाम क्या है, आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस पर्वत का नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस पर्वत को क्या कहते हैं, ग्रेट। तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि ग्रेट ऑस्ट्रेलिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में। तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में आपको ग्रेट डिवाइडिंग है। तो एक्चुअली ये पूरा क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ही है, क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ही है। लेकिन इसका अलग से थोड़ा सा नाम दे दिया गया है, यहाँ इसको क्या कहा गया है, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। तो जनरली ऑस्ट्रेलियन आल्प्स जनरली नहीं पूछता है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ही पूछेगा आपका, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स आपका नहीं पूछता, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूछता है। तो इसी का एक फिक्सन चोटी है, देखिएगा एक चोटी इसका है ना, ये आपका एक चोटी है, ये ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। तो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट कोसिस्को है, यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक जो है माउंट कोसिस्को। ऑस्ट्रेलियन की भी ऑस्ट्रेलिया का भी आपका हाईएस्ट पीक कहेगा तो माउंट कोसिस्को ही होगा है ना। यानी क्वेश्चंस को भी पूछे, ग्रेट डिवाइडिंग का हाईएस्ट पीक पूछे, ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक पूछे, या ऑस्ट्रेलियन आल्प्स का हाईएस्ट पीक पूछे, सारा का क्या होगा, माउंट कोसिस्को ही हाईएस्ट पीक होगा। ठीक, दूसरा आपका एक पर्वत यहां पर, ये एक पर्वत है, इसको कहते हैं फ्लिंडर रेंज। क्या कहते हैं, फ्लिंडर रेंज कहा जाता है। फ्लिंडर रेंज में क्या पाया जाता है, आयरन ओर पाया है ना। फ्लिंडर रेंज में क्या पाया जाता है, आयरन ओर पाया जाता है, लॉ एस्क पाया जाता है। यहाँ जो मिनरल्स पाया जाता है वो लॉ एस्क पाया जाता है। ठीक, दूसरी बात, फ्लिंडर रेंज जो है ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल। तो ब्लॉक पर्वत कैसे बनता है, मान लीजिए ये अर्थ सर्फेस है, ये सिंपल ये अर्थ सर्फेस है। ठीक, लेकिन फोर्स लगने के कारण, नीचे से फोर्स लगने के कारण बीच का पार्ट ऐसे करके उठ गया, और अगल बगल का जमीन वही रहा और बीच का पार्ट आपका उठ गया, उसी को कहा गया है ब्लॉक माउंटेन। यानी फ्लिंडर रेंज जो हो गया आपका ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, तो फ्लिंडर रेंज हो गया, दो एग्जाम दो तीन तरह से क्वेश्चन पूछेगा फ्लिंडर रेंज में, कि फ्लिंडर रेंज में कौन सा मिनरल पाया जाता है, आयरन ओर पाया जाता है। किस चीज का एग्जाम्पल है, तो ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। और फ्लिंडर रेंज सिंपल पहला क्वेश्चन कि किस देश में है ना, किस देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया में।
ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक पर्वत यहां पर आता है, एक पर्वत जो है यहां, ये आपका, इसका नाम है डार्लिंग रेंज, है ना, ये जो है आपका डार्लिंग रेंज, ये आपका डार्लिंग रेंज है, ठीक, ये पर्वत जो है आपका डार्लिंग रेंज है। इस डार्लिंग रेंज तो सीधा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा बता क्या बताया है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में आपका क्या पाया जाता है, डार्लिंग रेंज पाया जाता है, ठीक। और डार्लिंग रेंज में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है ना, डार्लिंग रेंज में कौन सा ऑक्साइड पाया जाता है, बॉक्साइट पाया, ध्यान में रखेंगे डार्लिंग रेंज में क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया, ठीक, डार्लिंग रेंज में कौन सा पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, और डार्लिंग रेंज किस देश में, ऑस्ट्रेलिया में, है ना, ये दो चीज देखे। अब डार्लिंग रेंज से जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहां मिलेगा एक, यहां पर्वत मिलेगा, है ना, इसको कहते हैं पिलवरा, पिलवरा रेंज, इसको क्या कहा गया है, पिलवरा रेंज, पिलवरा रेंज, इसको क्या कहा गया है, पिलवरा रेंज, ठीक। तो रेंज, रेंज माउंटेन, पर्वतमाला, सब क्या एक पर्वत को ही कहा जाता है, खाली अलग अलग नाम दे दिया गया, ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो पिलवरा रेंज कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और पिलवरा रेंज में भी आपको क्या पाया जाता है, आयरन और पाया जाता है, यानी लॉ एस्क पाया जाता है, यहाँ भी आपको क्या पाया जाता है, कौन सा खनिज पाया जाता है, लॉ एस्क पाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कि पिलवरा रेंज में कौन सा खनिज पाया जाता है, लॉ एस्क पाया जाता है, ठीक। अब ऊपर जाते हैं तो फिर एक पर्वत यहाँ मिलेगा, एक चीज ये मिलता है, ये प्लेटू है, ये इसको कहते हैं किम्बरले प्लेटू, किम्बरले प्लेटू, है ना, किम्बरले पठार, इसको क्या कहते हैं, किम्बरले, किम्बरले पठार कहा जाता है, इसको किम्बरले पठार के नाम से जाना जाता है, कौन सा नाम से जाना जाता है, किम्बरले पठार के नाम से जाना जाता है, किम्बरले प्लेटू के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। तो किम्बरले प्लेटू में भी क्या पाया जाता है, लॉ एस ही पाया जाता है, यहां भी लॉ एस ही पाया जाता है, ठीक। तो दो तीन जगह की बात बताया मैंने कि फ्लिंट रेंज, पिलवरा रेंज और किम्बरले प्लेटू, है ना, फ्लिंट रेंज, है ना, फ्लिंट रेंज और क्या होता है, पिलवरा रेंज, या आपका क्या होता है, किम्बरले प्लेटू, तीनों जगह क्या पाया जाता है, आपका लॉ एस्ट ही पाया जाता है ना। किम्बरले प्लेटू में एक बार मैं फिर बताता हूँ कि किम्बरले प्लेटू में, है ना, पिलवरा रेंज, पिलवरा रेंज में और फ्लिंट रेंज में, तीनों जगह क्या पाया जाता है, आपको क्या आयरन ओर पाया जाता है, लॉएस्ट खनिज पाया जाता है, लेकिन जो है डार्लिंग रेंज में क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है ना, डार्लिंग रेंज में क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे ये सर। तो इतना सारा हम जान गए, यानी पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जाने, पहला आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बने इसकी चोटी कोशिश, है ना, उसके बाद आपको फ्लिंडर मिला, फ्लिंडर में लॉएस्ट मिला, लॉएस्ट मिला, खनिज मिला, उसके बाद आपको डार्लिंग रेंज मिला, डार्लिंग रेंज में आपको क्या मिला, बॉक्साइट मिला, पिलवरा रेंज मिला, पिलवरा रेंज में लॉएस्ट मिला, और यहाँ किम्बरले प्लेटू के पहले प्लेटू में लॉएस्ट मिला, ये इतना सारा हम लोग पर्वत पठार देखते हैं, है ना। थोड़ा सा और है, उसको हम इसमें मिलाते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक और पठार है जो पर्वत टाइप का है, माउंट ईसा, इसको क्या कहा जाता है, माउंट ईसा, माउंट ईसा, ये क्या है, माउंट ईसा, माउंट ईसा में क्या पाया जाता है, सीसा और जस्ता पाया जाता है, सीसा और जस्ता पाया जाता है, माउंट ईसा में क्या पाया जाता है, सीसा और जस्ता पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे कि माउंट ईसा में सीसा जस्ता पर, तो इतना सारा मिनरल्स है जो आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना। ये हम लोग मोटा मोटी देखिए, पहाड़ भी देखिए, तो उसकी जगह पर कौन सा मिनरल्स पाया जाता है वो भी देखिए, यानी आपका क्या हो गया, ये ओवरऑल, ओवरऑल की बात करें तो इधर
देखिए अब मैप से क्वेश्चन कैसे खोजेगा, एक दे देगा ये उठा देगा, एक दे देगा कहेगा वेस्ट ईस्ट ईस्ट से वेस्ट अरेंज करने के लिए, तो हम लोग तो जान ही रहे मैप से पढ़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, सिलेंडर रेंज, डार्लिंग रेंज, क्लिवरा रेंज और किम्बरले प्लेटू और बाउंड्री, ये सारा क्षेत्र हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैप के थ्रू देखेंगे, आप नोट भी करेंगे तो मैप के थ्रू ही नोट देंगे, मैप बना के ही नोट करेंगे ताकि आपको मैप देखिए तो याद हो जाए और एग्जाम में सारा क्वेश्चन मैप से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे पढ़ने के समय बस, और कुछ नहीं, इससे आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। एक दो जगह और बताता हूँ मिनर्स के बारे में, ये ऑस्ट्रेलिया था है ना, तो ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है यहाँ पर, इस जगह का नाम है एलिस स्प्रिंग, एलिस स्प्रिंग, इस जगह का नाम क्या है एलिस स्प्रिंग। ठीक, एलिस स्प्रिंग में क्या मिलता है, तेल और गैस, तेल और गैस पाया जाता है। ठीक, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के जो मिडिल पार्ट में है, ये जो पार्ट है ये एलिस स्प्रिंग का है ना, ये क्या है एलिस स्प्रिंग का नाम जगह है, जहां क्या पाया जाता है, तेल और गैस पाया जाता है। ठीक, यहीं पर एक झील है ऑस्ट्रेलिया में, इस झील को देख लेते हैं, यहीं पर इस झील का नाम है आयर लेक, आयर लेक, आयर झील है ना, झील का नाम है आयर झील है ना, आयर झील, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील है, क्या है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील। ठीक, आयर झील क्या है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील है, और दूसरी विशेषता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु में लोएस्ट पॉइंट, सबसे नीचा बिंदु, ऑस्ट्रेलिया में इससे नीचा कोई जगह नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु की बात करेगा तो कहेंगे आयर्स लेक है ना, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़े झील की बात करेंगे तो आयर्स लेक। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया का ये एलिस स्प्रिंग में क्या मिलता है, तेल और गैस है ना, एलिस स्प्रिंग में क्या मिलता है, तेल और गैस, इतना सारा हम लोग यहाँ देख लिए। ठीक, अब हम यहाँ के डेजर्ट के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, तो ऑस्ट्रेलिया में आधा से ज्यादा भाग क्या है, मरुस्थल ही, ऑस्ट्रेलिया का आधा का से ज्यादा पार्ट भी मरुस्थल ही है, और ऑस्ट्रेलिया का जितना भी शहर है जो कोस्टल एरिया पर आपका बसा हुआ, देखेंगे जितना भी शहर मिलेगा आपको कोस्टल एरिया पर मिलेगा। तो आप देखते हैं पहले झील, यहाँ पर देखिए ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बताया, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर पार्ट जो क्या है आपका क्या है, डेजर्ट है ना, ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर पार्ट जो है आपका क्या है, डेजर्ट। तो यहाँ मरुस्थल के बारे में देखते हैं, मरुस्थल है ना, आपको पहले भी आपको मरुस्थल के बारे में बताया था कि मरुस्थल जो होता है दो टाइप्स का होता है ना, मरुस्थल भी पहले, इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे, इसमें देखे होंगे मरुस्थल क्या होता है, दो टाइप का होता है, हॉट 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 डेजर्ट और क्या होगा कोल्ड डेजर्ट है ना। हॉट डेजर्ट में क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जहाँ बालू पाया जाता है, और जहाँ आइस पाया, बर्फ की बर्फ पाया जाता है उसको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। ये हम पहले आपको बता चुके हैं है ना, इसके पहले वाले वीडियो में देख लेंगे साउथ अमेरिका का पार्ट वन में, तो आपको पता चल जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो यहाँ भी आपका डेजर्ट पाया जाता है, और तीन डेजर्ट पाया जाता है ना, डेजर्ट पहला ईस्टर्न डेजर्ट बताते हैं है ना, ये तीन डिजिट है ना, ये तीन डिजिट नाम है, इसका नाम है ग्रेट सैंड डिजिट, ग्रेट सैंडी डिजिट, ये पहला क्या हो गया ग्रेट सैंडी डिजिट, और दूसरा क्या हो गया गिब्सन, गिब्सन डिजिट, दूसरा क्या हो गया गिब्सन डिजिट, और तीसरा जो हो गया ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट,
तीन डेजर्ट, ठीक, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये तीन डेजर्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना, ये तीन डेजर्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। इस डेजर्ट को एक डेजर्ट हो गया, ठीक, और दूसरा डेजर्ट ये हो गया और तीसरा डेजर्ट आपका ये हो गया। ये तीन डेजर्ट आपका नाम है, पहला नाम है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, दूसरा नाम है गिब्सन डेजर्ट और तीसरा नाम है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो विक्टोरिया याद रखेंगे, गिब्सन याद करेंगे, सैंडी याद करेंगे, और तीनों इसी तरह क्रम में, पहले मिलेगा सैंडी, उसके बाद मिलेगा गिब्सन, उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया। यानी नाम सिंपल, पहला पूछ जाएगा कि गिब्सन डेजर्ट किस देश में है ना, विक्टोरिया डेजर्ट किस देश में है, गिब्सन डेजर्ट किस देश में, तो आप बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कहेगा कि ऑस्ट्रेलिया में किस साइड में, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो ये। दूसरी पे पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन, तीन गो डेजर्ट है भाई, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा, तो सबसे बड़ा डेजर्ट जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का कौन सा हो गया, ग्रेट विक्टोरिया। सबसे बड़ा, लार्जेस्ट डेजर्ट जो हो गया, सबसे बड़ा डेजर्ट की बात करेंगे, सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट की बात करेंगे, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा डेजर्ट की बात करेंगे तो विक्टोरिया डेजर्ट है ना। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट आपका विक्टोरिया डेजर्ट, यहां तक हम लोग देख लिए। अब देखिए यहां पर एक, ये तो हम लोग ने देखा डेजर्ट, यहां एक कोरल रीफ की बात करता है जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान देंगे। तो एक प्रवाल भित्ति होता है, एक प्रवाल भित्ति जीव होता है जो समुद्र में उत्पन्न होता है, इसको कहा जाता है कोरल रीफ, है ना, इसको कोरल रीफ बोला जाता है, जो समुद्र में ही उत्पन्न होता है, ये रीफ जो होता है, कोरल रीफ जो है समुद्र में ही उत्पन्न होता है ना, और इसके डेड होने से चूना पत्थर, ये मरने के बाद क्या होता है, चूना पत्थर में तब्दील हो जाता है, और ये धीरे धीरे पत्थर बनते 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 द्वीप का भी रूप ले लेता है ना, बड़ा बड़ा द्वीप का रूप ले लेता है, इसी के मरने के बाद भी, तो जब भी ये उत्पन्न होगा समुद्र में होगा। तो ये जो कोरल रीफ है आपका, ये यहाँ पर उत्पन्न है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जो है समुद्र है, उसी में आपका ये कोरल रीफ पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन सा है ना, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की बात करेंगे, इसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ये विश्व का सबसे बड़ा है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, लगभग ये जो है 1900 किलोमीटर लंबा है, सोचो कितना मीटर लंबा, 1900 किलोमीटर लंबा, तो विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति, ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है ना, हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछ जाता, छोटा बड़ा एग्जाम में पूछ जाता। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की बात करेगा तो हम बताएंगे ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है सबसे बड़ा है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, लगभग 1900 किलोमीटर लंबा, ठीक, ये ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ हुआ, ठीक। तो ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक। तो ये हम लोग, तो यहाँ अब ये दो चीज देखे, फिजिकल पार्ट हम लोग लगभग देख लिए, कुछ एक जलसंधि है और ये देखेंगे। तो अब यहाँ एक जनजाति पाया, जनजाति हमेशा याद रखेंगे, यहाँ का जनजाति जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ, जनजाति कहने का मतलब ट्राइब्स है ना, जनजाति मतलब ट्राइब्स, ट्राइब्स उसी को है जो हमारे जैसे झारखंड में, एमपी में, बिहार में भी ध्यान दी जाना थी, जो अपने प्रिमेटिव एग्रीकल्चर करता है, अपने ट्रेडिशन को बचाए हुए है ना, पुराने कल्चर को बचाए, उसको जनजाति कहा जाता है ना। तो ट्राइब्स यहाँ जनजाति पाया जाता है, उस जनजाति को कहते हैं बिंदी बाय है ना, ये बहुत बार पूछा या इंपॉर्टेंट है, बिंदी बाय जनजाति, बिंदी बाय जनजाति, ये जो जनजाति है बिंदी बाय जनजाति, कौन सा जनजाति हो गया, बिंदीबाय जनजाति हो गया, ठीक। तो यहाँ जो जनजाति पाया जाता है, कौन सा जनजाति पाया जाता है, बिंदीबाय जनजाति पाया जाता है, ठीक ठीक, याद रखेंगे हमेशा। तो पूछेगा बिंदीबाय जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब हवा की बात करेंगे, यहाँ हवा भी पाया जाता है, हवा बाता, जिससे हमारे यहाँ हवा बाता, गर्मी में बाता हवा, उसका नाम कहते हैं हम लू कहते हैं है ना, उसी तरह हर जगह पर हवा बाती है, उसका अलग अलग नाम दे दिया गया है।
तो गर्म हवा बहेगा तो उसको गर्म कहा जाता है, ठंडा हवा ठंडे में बहा तो ठंडी हवा। तो यहाँ भी एक गर्म हवा बहती है, एक ठंडी हवा बहती है ना। हवा जो ठंडी ठंडी हवा बहती है उसका नाम है बिली बिली बिली। ये जो है आपका ठंडी हवा है ना। ऑस्ट्रेलिया में जो ठंडी हवा बहती है उसको क्या कहा जाता है, बिली बिली कहा जाता है। और यहाँ जो गर्म हवा बहती है उसको ब्रिक फिल्टर कहते हैं, ब्रिक फिल्टर कहते हैं। यहाँ जो गर्म हवा है उसको क्या कहते हैं, ब्रिक फिल्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता रहता है। यानी बिली बिली हवा बहती है उसको, वो ठंडी हवा है जो ऑस्ट्रेलिया में बहती है, और ब्रिक फिल्टर हवा जो बहती है वो क्या है, गर्म हवा है जो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ठीक, यहाँ तक हम लोग देखें, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। और इसको अच्छा लगे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।